हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ पाव भाजी स्ट्रीट फूड। ये काफ़ी टेस्टी और काफ़ी अच्छी बनती है, इसे बनाना भी काफ़ी इजी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने वेजेस में फूलगोभी ले लिया, आलू ले लिया है, कुछ गाजर लिया है, कुछ हमने बीट रूट लिया है और कैप्सिकम लिया है, यहाँ हमने टमाटर लिया है। अब एक कुकर को हम गर्म करेंगे और उसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा हमारा हो गया है, अब यहीं पे हम पाव भाजी मसाला डालेंगे। उसके तुरंत बाद टमाटर डाल के हमें कुकर को थोड़ा हिला लेना है। अब यही से हम अपने सारे कटे हुए वेजेस डालेंगे। हमने सारे वेजेस डाल दिया, अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमें उतना ही डालना है जितना में हमारा ये जितने भी वेजेस है वो डिप्ट हो जाए, बस इतना ही पानी डालना है। अब यहीं पे हमें एक चम्मच नमक लेना है और एक चम्मच टर्मरिक पाउडर डालना है और कुकर को सेट कर देना है। दो सीटी लगने तक हमें इसे पकाना है। ये हमारी दूसरी सीटी लग चुकी है, अब हम गैस को बंद कर लेंगे यहीं से। तो यहाँ ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब यहीं पर हम 3 से 4 चम्मच बटर डालेंगे। बटर डालने के तुरंत बाद हम इसमें मिर्च डालेंगे, सूखी हुई लाल मिर्च। उसके बाद मैंने यहाँ अनियन और कैप्सिकम को बारीक चॉप कर लिया है। ये क्वांटिटी में सेम होगा, जितना प्याज उतना ही कैप्सिकम, इसे भी डाल देंगे। अब यहीं पर हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, जस्ट इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए, ये लाइट पिंक कलर के हो जाए, तब तक हमें इसे भूनना है। तो आप देख सकते हैं ये लाइट पिंक कलर का हो गया है, हमें इससे ज़्यादा और फ्राई नहीं करना है इसको। अब हम यहीं पे एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे। ये आप देख सकते हो, अब यहीं पे हमें धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालना है और 2 से 3 चम्मच पाव भाजी मसाला और कसूरी मेथी क्रश करके डालना है और इसे फ्राई करना है। अब यहीं पे हमने जो वेजिटेबल बॉइल कर रखा था उसे मैंने हल्का हल्का मैश लिया है, अब हम इसे कढ़ाई पे डालते हैं। अब इसे पका लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो आप देख सकते हो इसमें ऑयल आना शुरू हो गया। अब यहीं पे हमें स्वाद अनुसार नमक डालना है, आप पहले टेस्ट कर लेना क्योंकि सब्जी में भी हमने पहले नमक डाला हुआ था। तो मैं यहाँ नमक ऐड कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, इसे मैं चला लूँगी अच्छे से। इसे ज़्यादा सुखाना भी नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं छोड़ना है। ये काफ़ी थिक हो गया, ये काफ़ी अच्छा बन के आया है। अब यहीं पर हमें एक चम्मच लेमन जूस डालना है ताकि जो भी स्पाइसेस है उसके फ्लेवर मेंटेन हो जाए, कुछ कम बेसी कुछ हो जाए वो ठीक हो जाए। एंड अब यहीं पे हमारा भाजी रेडी हो गया है। यहीं पे हमें धनिया का पत्ता ऐड करना है। ये हमारा भाजी रेडी है, अब इसे हम साइड करके पाव पे ध्यान देते हैं।
अब यहाँ हमने पाव ले लिया, इसे बीच से काट लिया है मैंने, और यहाँ तवा मैंने चढ़ा दिया है इसे गर्म होने के लिए। सो तवा हिट हो गया है, अब हम यहाँ पे बटर डालेंगे, धनिया पत्ता डालेंगे, एक पिंच हम यहाँ पाव भाजी मसाला डालेंगे, ब्लैक सॉल्ट डालेंगे और इसे अच्छी तरह से कर देंगे। और यहाँ हम अपने पाव को डाल के इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से सेक लें, पलट के भी सेक लें। ये हमारा पाव बिल्कुल रेडी है, हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये हमने प्लेट ले लिया है, इसमें हम अपने पाव को डाल देंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। हमने अपनी भाजी ले ली है, मैंने कुछ सलाद ले लिया था, अभी हम बटर डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, धनिया पत्ता थोड़ा स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा अनियन स्प्रिंकल कर देंगे। ये हमारी पाव भाजी बिल्कुल रेडी है, अब आप इसे एंजॉय करें और बताएं मुझे कमेंट में कि ये कैसा लगा। मैंने इसकी पूरी रेसिपी और कितनी क्वांटिटी में कितनी मसाले चाहिए वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।